अस्सलाम वालेकुम। तो आज के ब्लॉग की ख़ास बात यह है कि गुलाब देवी आया हुआ भाई, और गुलाब देवी में आपको मैं बता दूं कि कोई सीन नहीं है चिल। तो सीन ये है कि यहाँ पे लोग बहुत पढ़ते हैं, इनका स्पोर्ट्स वीक हो रहा है जो कि कल से स्टार्ट होगा। अभी मैं डेकोरेशन देख के आ रहा हूँ, ये ग्राउंड है साथ बिल्कुल ठीक है, और ये टेंट वगैरह लगाए हैं दैट स्टफ। और हमारे साथ ही गिटारिस्ट भी है ठीक है, इसका नाम है मोहम्मद हुसैन। टेक टू जैन, तमीज से बात करो। चलो जैन की यूनिवर्सिटी है गुलाब देवी, ठीक है भाई जान। हाँ। कॉलेज है भाई जान, एक तो कॉलेज भी नहीं, स्कूल है लिटरली। मैं कहा भाई जान, स्कूल भी नहीं प्राइमरी। यहां पे लिटरली मैं आपको दिखाऊं, यहां पे मैं आपको दिखाऊं यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे हैं और यूनिफॉर्म में आ रहे हैं ठीक है भाई, यूनिफॉर्म में आएंगे। तो व्हाई ब्रो, व्हाई उनकी ड्यूटी लगती है, उनके पास कपड़े थोड़े हैं यार। क्या बढ़िया था गुरु। जैन साहब यहाँ अपनी तरह से डॉक्टर बने हुए, इसकी शक्ल है डॉक्टरों वाली, शक्ल है डॉक्टर वाली। भाई जैन की क्रश आ गई है ठीक है, ये बंदे ने जैन को उसी टाइम बता दिया कि भाई आपकी क्रश आ गई। माहौल बनने लगा तो आप जा रहे हैं? हाँ जी, ठरकी अल्ट्रा प्रो मैक्स, ये ठरकी अल्ट्रा प्रो मैक्स है भाई। बच्चियों की लाइन लगा देना बैठे। ओ भाई, भाई लड़कियाँ चाहिए ना तो इस बंदे से रब्ता करें, तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा नीचे। मेरे व्लॉग को बेहया और वहशत फैला रहा है ये बंदा। भाई ये बंदा लड़कियां इकट्ठी करता है यहाँ पे, बच के रहे गुलाब देवी में इस बंदे से। नाम क्या भाई का? नाम क्या तेरा? रमीज भाई ने प्यार से। रमीज भाई, ये आवाज आ गई है, समझ रहा हूँ, समझ रहे हो ना भाई, ये आवाज आ गई है रमीज। तो हम मुश्किल से यहाँ पे कोई 15 से 20 मिनट रुके हैं ठीक है, वो भी सिर्फ जैन के लिए। और जैन को सलाम है जो उसने यहाँ पर 3 साल गुजार दिए। तो यार गुलाब देवी अंदर से कुछ इस तरह का है ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा सा चिल सा कैफे है ठीक है, और इसके अलावा कुछ खास नहीं, फजूल सी जगह कह सकते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छी जगह है, और जो मेरे ये बंदा वैसे तो सीन ये है कि यहाँ पे कोई सीन नहीं है। तो अब हम वापस पीयू जा रहे हैं। यार मैं बताता हूँ, असल में यहाँ पर बहुत सीन हैं। अच्छा, वो हमारे साथ ये सीन क्यों नहीं हुआ, हमारा एक अदर दोस्त था जैनुलाबिदीन। अच्छा, जैन भाई जो हैं वो ठंडे हैं, इसलिए उसके यार दोस्त भी ठंडे हैं। तो सीन ये है कि हम गुलाब देवी आए थे और जैन ने बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाई, क्योंकि इसका ना बहुत ही ठंडा टाइप का इंस्टीट्यूट है और डिपार्टमेंट है। तो अब हम वापस पीयू जा रहे हैं, और हमने सोचा है कि इसके साथ एक प्रैंक करें। वो ये कि हमें इसने कहा कि इसके पास बाइक नहीं है ठीक है, जबकि इसकी बाइक ये खड़ी है और इसके साथ हेलमेट भी लगा हुआ है जो कि लॉक नहीं है ठीक है। तो इसका हेलमेट उठा के हम लेके जा रहे हैं साथ, ये आ गया हेलमेट, ये थी इसकी बाइक। तो जैन गेट रेडी ब्रो, प्लस दिस इज़ नॉट अ स्क्रिप्टेड प्रैंक। तो फाइनली हम अपने डिपार्टमेंट आ चुके हैं, अपने डिपार्टमेंट नहीं हुसैन के डिपार्टमेंट, क्योंकि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये थोड़ी सस्ती टाइप जगह है ठीक है। हाँ, और ये सीन्स ऐसे हैं कि हुसैन नाश्ता लेके आया हुआ है, और नाश्ता इसके हाथ में देखें। अच्छा यार सीन ये है कि हम आ गए हुसैन के घर के पास, और वो पीछे बाइक है और बाइक के ऊपर हेलमेट टांगा हुआ है। तो लेट्स सी इस रिएक्शन क्या बनता है, और हुसैन साथ ही एक प्रैंक हो गया। अच्छा, डिपार्टमेंट के बाहर बाइक खड़ी की थी कैफे के पिछली साइड पे, हेलमेट क्लास क्या मतलब हेलमेट जो है वो उठाया गया, और मेरी शक्ल से आपको पता नहीं लग रहा 12 बजे में मुझे इतने साल पुराना हेलमेट था, हेलमेट 2 साल पुराना भाई, बस कर जा नया ले ले। नहीं, इस बंदे का मशवरा नया हेलमेट ले ले, 2 साल पुराना है। तो तुम लड़कियों में गुमराह थे उस टाइम पे, कहाँ थे तुम? ये हमें छोड़ने नहीं ना आया, इसे सजा मिली, ये हमें छोड़ने नहीं आया, मैं इसको बदवा दी थी हेलमेट बेसिकली। तू मतलब क्या हुआ, क्या लोग नहीं लगाया था तेरे पास, वाइड लोग ऑडियंस को बताओ क्या नाम है अपने ना कैफे के पीछे डिपार्टमेंट के ना नोट में, वहाँ पे मैं वापस आया हूँ, मैं गुम था वहाँ पे, माहौल अच्छा था, ठंडी का आ रहा था। तो जी वापस गया हूँ तो हेलमेट था नहीं, बाइक पार्टी देगा 1200 की पार्टी है 1200 हो गया ठीक है। तो अब वारदात हो गई है, अब क्या कर सकते भाई, शर्म कर ले चल, नहीं कोई हाल नहीं है, पापा मेरी होनी थी अभी फिगर, पापा को बताया मैंने, भी पता था खैर हो गई है काफ़ी हद तक, क्या कर सकते हैं, पीठ बन जाते हैं। अब खिला क्या दे रहा, तुम्हें हेलमेट मिला खुशी में, मैं आपको ना आइसक्रीम खिला देता हूँ।
बात डन हो गया, अब रिकॉर्ड हो गया, अब आइसक्रीम भी बनेगी। ओके आ जाए। तो यार सीन ये है कि इसको हेलमेट मिल गया हुआ है, ठीक है, और हम माजरत खा हैं कि पीछे आपको क्लियर ऑडियो नहीं सुनाई देगी, बट दैट वाज एज इट इज। तो खैर अभी आ गए हुए यहाँ पे हम, ठीक है, ये भाईजान मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अब हम आ तो गए हैं मगर तुम ये देखो बेचारे का हेलमेट छुपाया खिला भी हुई। ये कुछ बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना। तुम इतने सारे ना ये कट कर दूंगा मैं। अमीर आदमी, वन एंड ओनली ज़ैनुल आबिदीन। मैं अमीर हूँ। ये ऐसी मजाक।